और ये होगी लड़ाई। इतना तगड़ा है यार, इतना चौड़ा, इतना बड़ा, पता नहीं क्या है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन कह रहा हूँ, मेट्रो स्टेशन ही। हाँ जी, सभी को राम राम। तो कैसे हो सभी, उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। देखो बढ़िया रहो, मौज करो, ठंड पड़ रही है, बढ़िया मस्त एकदम। तो दोस्तों आज स्वागत है एक और मोटो व्लॉग में। देखो बहुत टाइम बाद मोटो व्लॉग बन रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं आया हुआ था किसी काम से, क्योंकि आप लोगों का भाई नहीं आता अब जॉब के लिए, तो मोटो व्लॉग डेली बन नहीं पाता, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं मोटो व्लॉग। अभी हूँ मैं वैशाली मेट्रो स्टेशन, ये रहा वैशाली मेट्रो स्टेशन। तो देखेंगे आज के व्लॉग में क्या होता है। देखो व्लॉग, मोटो व्लॉग जो होता है उसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता कहने का मतलब कि पहले से कुछ प्लान नहीं होता है, बस हमने कैमरा लगाया, चल रहे हैं, कुछ भी ऐसा टाइटल मिलेगा अपन वीडियो बना देंगे उसकी, ठीक है। तो इस साइड ना मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, इस साइड से आना होता नहीं है, क्योंकि जब जॉब थी तो नोएडा की तरफ से जाना होता था, और आज मैं किसी काम से आया था तो आज मैं आया हूँ वैशाली की तरफ, ठीक है। तो अभी मैं वापस उसी साइड से जाऊँगा, यहाँ से मोहन नगर, मोहन नगर से गाजियाबाद, गाजियाबाद से घर। ओके लोंडो, तो मजे करते हैं अपना मोटो व्लॉग। देखो ये बन रही है मेट्रो, अभी काम चल रहा है। ये जो जब वैशाली के सामने आ जाते हैं ना, मेट्रो है, डबल फ्लाईओवर है, मतलब डबल मेट्रो का ट्रैक है, यहाँ से घुस जाता है नीचे ज़मीन के अंदर सीधा। और भाई बहुत मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से, जब से मैं घर था, स्कूटी चला रहा हूँ पापा वाली, कहीं मार्केट जाना हो रहा है या मम्मी पापा के साथ कहीं भी जाना होता है, मैं स्कूटी से ही जा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे हमें आ रहा है मज़ा। बस इधर से दिक्कत यह है कि यहाँ मिलती है हमें रेड लाइट ज़्यादा। बच गया, तो गाइस अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि हमें मज़ा आ रहा है भाई बाइक चलाने में पूरा, ठीक है, अपनी एनएस को चलाने में पूरा। एक दो दिक्कत हुई है बाइक के अंदर, जब ठीक करवाने जाऊंगा जब बताऊंगा। ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है वो जब भी दिखाते हैं, जब किसी वीडियो में हम उसके बारे में बताएंगे या उसको ठीक करवाएंगे, ठीक है, क्या सीन है उसका। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा मोहन नगर, यहाँ से मोहन नगर होगा 7 से 8 किलोमीटर के आसपास लगभग। अगर ये रेड लाइन ना हो तो 5 मिनट का रास्ता है सिर्फ, क्योंकि फ्लाईओवर बन गए हैं मस्त। भाई दबा के शादियाँ चल रही हैं, दबा के शादियाँ चल रही हैं, बैंकेट के बैंकेट हॉल भरे पड़े हैं, दमादम रोडों पे बाजे बैंड बाजे बज रहे हैं, बहुएं की बहुएं आ रही हैं घर। ये देखो कितना शानदार, ये कौन सा साहिबाबाद मेट्रो स्टेशन रैपिड का है। इतने तगड़े तगड़े मेट्रो स्टेशन बने हैं ना भाई, इतने बड़े बड़े। अभी गाजियाबाद वाला मेट्रो स्टेशन दिखाऊंगा, इतना मतलब इतना ह्यूज, बहुत तगड़े तगड़े, जैसे कोई कुछ और है, क्या बोलते हैं वो, नहीं है मेट्रो स्टेशन नहीं है, बहुत तगड़े तगड़े। अभी गाजियाबाद जाऊंगा ना, पुराना बस स्टैंड पहुँचूंगा तब देखना। मोहन नगर तो पहुँच गए, मोहन नगर हम पहुँचे हैं, कौन सा है, वर्ल्ड स्क्वायर मॉल। मैं सोच रहा हूँ घूम ही आऊँ क्या, क्या करूँगा घूम के अंदर, काम और कहाँ टाइम वेस्ट करना है। ये सही कर दिया, देखो ये ऐसे रोड ना बहुत टूटे रहते हैं, यहाँ पे पहले भी आना होता था, यहाँ से रोड टूट जाता है ऐसी जगह से। तो जहाँ जहाँ ईंट वाला रास्ता बना हुआ है ना, जैसे कि ये बना हुआ नीचे, देखो ये एक बार ईंट डाल के फिर परमानेंट हो जाता है भाई, टूटने की वजह से ट्रैफिक इतना लगता था यहाँ। अब मुझे लेके आना पड़ेगा यू टर्न, क्योंकि मुझे उस रोड पर जाना है ऐसे। देखो यहाँ से भी टूटा रहता था, यहाँ भी ये ईंटे वाला लॉक, ईंटे होती है ना जो लॉक होने वाली, वो खरंजा सा बना दिया ये रहा। अरे ये क्या सिटी गाजियाबाद सेंटर, नाम बदल गया क्या इसका, पता नहीं भाई। यहाँ की फेमस चीज़ें ये हैं, पेंटिंग, हर पिलर पे एक नई पेंटिंग मिलेगी, बहुत सुंदर सुंदर। और भाई लोग ये है मंदिर, यहाँ का एक बहुत ब्यूटीफुल मंदिर, मैं कभी गया नहीं हूँ, देखो अंदर, पर बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। कैसे करोगे, यही बात करोगे सारी।
आगे को चला जाए ऐसे लेके। और यहाँ पे वो तो देखा ही होगा करम धर्म, दिखाता हूँ रुको अगर दिखेगा तो, उस साइड है रोड के उस साइड करम धर्म है, गरम धर्म है, गरम धर्म, गरम धर्म है भाई, मैं करम धर्म कर रहा था सॉरी, ये गरम धर्म, ये सामने दिख रही है, ये हमारे जो हीरो हैं धर्मेंद्र साहब उनका रेस्टोरेंट है, ऐसा कहा जाता है। कितना ऊंचा रोड बन रहा है, पर ये वाले रोड इतने फ्री से नहीं रहते, ट्रैफिक से ही रहता है। देखो इतना जैसे यहाँ रोड बन रहा है, ट्रैफिक चल रहा है हल्का हल्का, इतना फ्री रोड नहीं मिल पाता कि रास्ते जल्दी कवर हो जाए। अवर से जाते हैं ना नोएडा वाले रोड पे, तो उस पे तो भाई लाल कुआ नोएडा 62 की तरफ से जाता है, वो एकदम फ्री मिलता है। ट्रैफिक मिलेगा तो बिल्कुल बंद मिलेगा, एकदम राड़ी ख़त्म, और नहीं मिलेगा एकदम खुला मिलेगा, उड़ा लो चाहे वहाँ। यार मुझे लग रहा है मेरी बाइक को लग कह रहा है, वो तो हो गया है, उसमें लगना क्या है, अगले बार जो बाइक है बाइक का अगला वाला टायर हो गया एकदम घिस के सपैट, ठीक है, बिल्कुल घिस चुका अगला वाला टायर, तो उसका भी चेंज करने का इंतजाम देखना पड़ेगा जल्द से जल्द। पहुंच गया जी गाजियाबाद पुराना बस स्टैंड। अब देखो अब जैसे कि यहाँ से रोड चाहिए सीधा, मुझे जाना है सीधा, ठीक है, पर रास्ता यहाँ पे बंद है क्योंकि इस रोड की तरफ से मतलब इधर से क्रॉसिंग होती है, इस वजह से सीधा क्रॉसिंग नहीं है, जिसकी वजह से यू टर्न लेके आना पड़ता है और ये होगी लड़ाई। क्या हो गया, चल 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 घबरा मत, चलो घर चलो, अपने अपने रात हो रही है यार, लड़ना झगड़ना क्या, 9 बज रहे हैं, घर वाले इंतजार देख रहे हूँ। तो भाई मैं बोल रहा था ये वाली मेट्रो स्टेशन की, इतना तगड़ा है यार, इतना चौड़ा, इतना बड़ा, पता नहीं क्या है, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन कह रहा हूँ, मेट्रो स्टेशन रैपिड का है, रैपिड का जितना भी ट्रैक दिखाया ना मैंने, रैपिड का ही ट्रैक था सारा का सारा, जो दिल्ली से मेरठ है शायद, या गुड़गांव से मेरठ है पता नहीं, इतनी गहरी जानकारी नहीं पहुँच पाई अभी तक मेरे पास, पर मेरठ तक है इतना पता है। लाइट ही लाइट बिगड़ी है यार भाई, वो इतना चिल्ला रहा था वो, तो उसको या तो बच गया चोट लगने से, ऐसा होता है ना जब देखो तगड़ा एक्सीडेंट होने वाला होता ना और बच जाए इंसान, तो भाई दिल रूह सब कांप जाती है, तो इंसान को गुस्सा आ ही जाता है, ठीक है, पर ठीक है ऐसा कोई लग नहीं रहा था, चोट लगी है गिर गया है, जान बची तो लाखों पाए। अब देखो मैं आया था वहाँ से उस वाले रोड से, मतलब इस स्टेशन को दूसरी तरफ से, और मुझे यहाँ आना था, इसके लिए यू टर्न बनाया हुआ है यहाँ पे, पुराना बस स्टैंड उस टाइम पे है। अगर मोहन नगर फिर से जाना है तो इस पे निकल जाओ, और अपना हापुड़ लाल कुआ डासना इधर जाना है तो इस पे, जिस पे मैं जा रहा हूँ। ये था वो चिल्ला रहा था, पहचान लिया मैंने, देखो कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई हुई है आप, ये देखो मोर का पंख, ये नॉर्मल वाली मेट्रो आ गई भाई। अब देखो जो फ्लाईओवर जाता है ये जाता है सीधा लाल कुएं की तरफ, घंटा घर लाल कुएं जो जा रहा है ऊपर, और उसके नीचे से हम घूम जाएंगे लेफ्ट साइड जो जाएगा डासने, और तेरी ऐसी की तैसी जेब में हाथ दे के जा रहा। हम पहुंच गए संतोष हॉस्पिटल, भाई ये इतना सही है, इतना बड़ा बड़ा लिखवा रखा है, कई किलोमीटर से साफ समझ आएगा ये संतोष हॉस्पिटल है, जो मेडिकल हॉस्पिटल है ना, जो कॉलेज भी हॉस्पिटल दोनों। हम पहुंच गए हैं गाजियाबाद बस स्टैंड, लो जी लो अभी हम बिल्कुल डासने पहुंच गए एकदम करेक्ट। ये चढ़ गए अपने वाले रोड पे, अपने वाले रोड मीन्स जिस पे हम आते जाते थे, अब यहाँ से भागम भाग सीधा, बीचम बीच चल रहा हूँ एकदम रोड के, बीचम बीच साइड में हो जाओ बेटे, पता नहीं यार लोगों को इतनी ठंड लग रही है, या तो मैं घर पड़ा हूँ इतने दिनों से इसलिए मेरे को ठंड का एहसास नहीं हो रहा, तो वाकई में मुझे ऐसा लग रहा है ठंड चली गई है, वो वाली ठंड नहीं है अभी एकदम ठिठरने वाली कूल करने वाली वैसी नहीं है, बर्फ़ जमाने वाली है, हवा लग रही है और ठंडी इतना पता आज लग रहा है यार, कुछ चला रहा हूँ 90-100 की स्पीड पर, वरना मैं तो भूल ही गया था ये मज़े लेने।
मसूरी पहुंच गया लो। बातों बातों में ये कौन सी सीजन का मेला है मैं नहीं जानता हूँ, पर ये लग रहा है मसूरी में। दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये देखिए मजा आ गया भाई। लोग जिंदल पहुंच गया हूँ मैं, खुशी खुशी में ज़्यादा चिल्ला देता हूँ ना तो आवाज़ हट जाती है माइक में। अपन पहुँच गए जिंदल, और जिंदल पहुँचने के साथ साथ इस वीडियो को भी हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। देखो जब ये वीडियो शूट हो रही है ना उस टाइम पे हमारे 850 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसके लिए सभी को थैंक्स, ठीक है, दिल से धन्यवाद। पर हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। 1000 हो जाएंगे अगर जल्दी जल्दी कर दोगे तो, फटाफट फटाफट इतनी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइबर, प्लीज़ आके सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को, तो हम और बेहतरीन वाले ब्लॉग बना देंगे, मस्त मस्त एकदम। बोलो हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे छोटू रेस्ट कर मेरे दोस्त, रात हो गई। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं वीडियो को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक ले बाय बाय, टेक केयर, खाते रहो पीते रहो, मौज उड़ाते रहो, अपना ख्याल रखो और अपनों का भी ख्याल रखो साथ में, ठीक है। जब तक ले राम राम जी सभी को एंड गुड नाइट। समय हो गया, हम पहुंच गए अपने घर। चलो नेट स्लो होगा, देखो अभी।